बहन इतना ही बोली कि सुनो ना, एक चप्पल लेना और चप्पल प्रतीक के सर पे मारना, तब तक मारना कि वो चप्पल टूट नहीं जाए। बहन को शुरू से शादी के बाद टॉर्चर किया जाने, अपने मजिस्ट्रेट का पावर का धौंस दिखाते हुए परिवार वाले को धमकी देते हैं कि अगर हमसे टकराओगी तो तुमको बर्बाद कर। फिर चांदनी बोलने लगी कि सास बोली कि आंगन भर जाता है इतना लेकर आता है, तुम कम लेके आई, हमको तो 60 लाख कैश ही मिल रहा था, तुम तो पनौती हो, किचन में मत घुसो। उसको किचन में घुसना मना, सास मोबाइल पर एक अछूत की तरह खाना ला कर देती थी, आलू भात चोखा भात जो भी, कभी उसको किचन में खाना लेने नहीं देती। शादी लड़का लड़की का होता है तो कई सारे अरमान होती हैं लड़कियाँ की, और उस अरमान में होता है कि लोग शादी के बाद पति पत्नी जाते हैं घूमने के लिए हनीमून के तौर पे, या ऐसे भी घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, लेकिन कितना निष्ठुर परिवार वो निकला, शिक्षित परिवार होकर के निष्ठुर परिवार। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना के दानापुर में हूँ, और यहाँ पे दानापुर के एस के पूरा मोहल्ले में हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट है। आज से ठीक एक साल पहले 10 मई को एक शादी होती है चांदनी और प्रीतम की, आप देख सकते हैं ये फोटो जो है, ये फोटो ये है ना, ये देखिए ये चांदनी का फोटो है ठीक आज से एक साल पहले का, और ये जो फोटो सारा देख रहे हैं ये शादी का ही फोटो है, ये सब लोग अभी तस्वीर टांग कर रखे हुए, लेकिन ठीक आज से एक साल पहले शादी होती है, और एक साल के बाद, और उस लड़के का, जिस लड़के से शादी होती है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उस लड़का वो जिला मजिस्ट्रेट है, सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट है, प्रतीक नाम है, और मजिस्ट्रेट के घर में इस तरह की घटनाएँ हो, जो दहेज लेकर के कितनी शादी जो किया गया था, बहुत शौक से शादी किया गया था, जो लेन देन होता है, जो प्रक्रिया होती है गिफ्ट देने का लेने का, शादी का डिटेल्स उनकी बहन है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ, मामला क्या था, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम है स्मृति रंजन। हुआ क्या हुआ था, बात क्या हुआ था? मेरी बहन को शुरू से शादी के बाद टॉर्चर किया जाने लगा। शादी का पहले डिमांड नहीं था, डिमांड बार बार में और मांगने लगा, तो हम लोग रोड से भी पैसा लेकर बहुत कुछ दिए, अंततः शादी में हम लोग 22 लाख रुपया कैश दिए, और गाड़ी एक बोला गया तो हम अपने नाम पर लोन लेकर एक गाड़ी दिए, MG हेक्टर गाड़ी जो मेरे नाम पे है। डिमांड हुआ जल्दी तो हमको लगा कि पापा के पेंशन से कट जाएगा, क्योंकि डिमांड 51 लाख का था, तो गाड़ी पे आए कि गाड़ी में तो एक बार में नहीं पैसा देंगे, लोन धीरे 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 लोन चुका देंगे। उसके बाद फिर मांगा गया कि बर्तन कम है, फिर कपड़े के लिए मांगा गया 51 हज़ार, तो हम लोग अपना यथासंभव 21 हज़ार डाले कपड़े का, तो लड़का रिटर्न कर दिया, बोला कि अकाउंट में डाल के हमको फंसाना चाहते हैं, 1 रुपया रख के रिटर्न कर दिया, फिर कपड़े का पैसा कैश में लिया। ये करते करते हम लोग को शादी में 30 के आसपास सिर्फ दहेज लगा, और 12-14 लाख रुपया शादी का खर्च, 5 लाख का सामान जो चलता है, बर्तन घड़ी अंगूठी कपड़ा चेन जो हुआ अपना हैसियत से बढ़ के दिए। फिर चांदनी बोलने लगी कि सास बोली कि आंगन भर जाता है इतना लेकर आता है, तुम कम लेके आई, हमको तो 60 लाख कैश ही मिल रहा था, तुम तो पनौती हो, किचन में मत घुसो। उसको किचन में घुसना मना हो गया, सास मोबाइल पर एक अछूत की तरह खाना ला कर देती थी, आलू भात चोखा भात जो भी, कभी उसको किचन में खाना लेने नहीं देती थी। किचन में उसको खाना बनाने भी नहीं दिया जाता था, नहीं, मतलब बहू का अधिकार नहीं मिला उसको, कभी नहीं, बहू का अधिकार उसको कभी नहीं मिला, मोबाइल पे फोन आता था और एक जगह बैठा के खाना देती थी, ये सब बातें हमें पता नहीं थी। तो हमको जब पता चली तो बोला कि ये लड़का बोला कि कई लोगों को हम बर्बाद कर चुके हैं, हम मजिस्ट्रेट है, कोर्ट मेरा घर है, हम केस 10 दिन में ऊपर लाते हैं, 10 दिन में नीचे करते हैं, तुम हमसे टकराओगी तो बर्बाद हो जाओगी, हम बहुतों को बर्बाद किए हैं। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट बोलता है ये बात? हाँ, ये बात मजिस्ट्रेट। ये देखिए कितनी हैरत की बात है कि आपको बता दें कि अररिया में घटना घटती है, अररिया नहीं समस्तीपुर में घटना घटती है, एक दरोगा की मौत होती है कानून को रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा में, लेकिन एक मजिस्ट्रेट यहाँ भी है, एक ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जो अपने मजिस्ट्रेट का पावर का धौंस दिखाते हुए परिवार वाले को धमकी देते हैं कि अगर हमसे टकराओगी तो तुमको बर्बाद कर देंगे, अपनी पत्नी को कहते हैं कि बर्बाद कर देंगे, और वो पत्नी उस बात के बाद पत्नी को उस घर में बहू का दर्जा नहीं मिलता है, उस पत्नी की सास जो है ना किचन में घुसने नहीं देती है, और जो नौकर की तरह जो रवैया होती है उस तरह का रवैया किया जाता है, नौकर की तरह खाना भी दिया जाता है, ये सही बात है? सही बात है सर। उसके बाद क्या हुआ कि पैसे का कुछ डिमांड आया कि वो घर बना रहे हैं निसाबाद में, थोड़ा हमको और पैसा चाहिए, इस बार सावन में पिछले साल भेज दिए कि जाओ राखी बांध के आओ भाई के साथ और पैसा लेकर आओ, तो हम लोग और पैसा तो नहीं दिए, हम लोग मेरी बहन को 2 महीना रखे, इस बीच मेरी बहन को छोड़ के वो लोग घूमने चला गया जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, आपकी बहन को छोड़ करके? ससुराल में छोड़, उसके मायके में छोड़ के, आपको छोड़ के यहाँ छोड़ के, मायके में, हाँ वो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। देखिए जब शादी लड़का लड़की का होता है तो कई सारे अरमान होती हैं लड़कियाँ की, और उस अरमान में होता है कि
लोग शादी के बाद पति पत्नी जाते हैं घूमने के लिए हनीमून के तौर पे या ऐसे भी घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, लेकिन कितना निष्ठुर परिवार वो निकला, शिक्षित परिवार होकर के निष्ठुर परिवार। अगर यह अशिक्षित परिवार होता तो कुछ बोलने में बनता, लेकिन ये इतना बड़ा शिक्षित परिवार होकर के जज, जो एक हायर पोस्ट है, मतलब कि हर आदमी की इच्छा होती है कि हम जज बने, लेकिन उस जज का ये हालात है कि उस पर लड़की को अपनी पत्नी को जो सात फेरे में शादी करता है अग्नि को साक्षी मान करके, समाज को साक्षी मान करके, उस पत्नी को छोड़ करके मायके में छोड़ देता है और वो आदमी चला जाता है घूमने के लिए। जी उसके बाद जैसे फ़ोन हम लोग देखे कि घूम रहे, मेरी बहन फ़ोन की कि हमको छोड़ के चले गए आप घूमने, हमको साथ ले जाते, हम आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो नहीं तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। आपकी बहन बोली, बहन को वो लड़का बोला कि नहीं तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, हम लोग घूम रहे हैं तुम मत आओ। फिर हमको लगा लेने आएंगे, 6 महीना शादी का, 3 महीना शादी का हुआ, लेने आएंगे, लेने वो लोग नहीं आया, हम लोग पैसा भी नहीं दिए। अंततः हम अपनी बहन को लेकर उसके घर गए, घर गए तो हम लोग बोले कि पैसा नहीं देंगे, अच्छे से रखिए। जैसे बैठते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग बात किए, चांदनी को रूम में अंदर ले लिया, पैसा नहीं लेके आई, तो और लड़का बुरा व्यवहार करने लगा, लड़का बहुत बुरा व्यवहार करने लगा, एक खा रही हो ना, ये भी मेरे पैसे का खा रही हो, तुमको औकात नहीं है ये पैसे का खाना, इस तरह से बोलता था वो। हाँ वो लोग उसको मेंटली बहुत टॉर्चर कर, उसका सारा जो है ना हैक करे हुए था मोबाइल, तो जो पूरा स्थिति है ना वो हमको चांदनी नहीं बताई। उसका मोबाइल उसका पति हैंडल कर रहा है, उसका फेसबुक उसका पति हैंडल कर रहा है, एक मैकबुक पे खोले हुए है उसका और एक विंडो पे खोले हुए है उसका दोनों जगह उसका खोले हुए है उसका हैक करके। और वो क्योंकि वो जो उसके साथ स्थिति हो रहा है वो अपने परिवार को या किसी और को ना बता सके। 8 महीने से मेरी बहन सूरज चांद नहीं देखी थी, पूरा चांद नहीं देखी थी, रूम में बंद रखा था। अच्छा, रूम में नजर बंद करके रखा था। हाँ, ताकि मारे तो आजू बाजू वाला ना देखे, सभ्य समाज का ढकोसला बना के रखा था मेरी बहन। तो आप लोगों को खबर नहीं करती थी वो हैक था, तो हमको खबर नहीं की। जब हम उसे हॉस्पिटल में पूछे तो बोला कि शराब बंदी है, तुम्हारे भाई के गाड़ी में शराब रखवा देंगे, गांजा रखवा देंगे और बेल लेते लेते थक जाओगी। एक ही भाई है, भाई को लेके हम लोग डरते थे और बहुत को बर्बाद किए, तुमको भी कर देंगे। मेरी बहन मरते मरते भी ये बोली, तुम लोग लड़ोगी ना, अगर हमको कुछ हो गया तुम लोग लड़ोगी, तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। बोला कोर्ट मेरा घर है, हम ऊपर करते हैं केस, हम नीचे करते हैं, लड़के मेरे से तुम देख लो। फिर क्या हुआ कि 14 तारीख को हमको फ़ोन की, मेरी बहन मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है, तुम लोग हमको आओ लेने। तो हम बोले कि तबीयत ख़राब लग रहा है तो प्रतीक बाबू कहाँ हैं? तो प्रतीक बोला हम नहीं दिखाएंगे। तो हम बोले कि किसी के घर में पत्नी का तबीयत ख़राब होता है तो हम नहीं दिखाएगा, तो बैजू मेरा भाई जाएगा दिखाएगा। तो बोला नहीं दिखाएंगे नहीं, तुमको कुछ निकलेगा बीमारी तो इस तुम्हारे घर में, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेके जाओ अपने। तो हम बोला क्यों कुछ निकलेगा, फर्स्ट पुष्ट है उसका, अभी शादी हुआ, उसको कोई बीमारी क्यों नहीं, क्या हम डॉक्टर का टीम उसी घर में लेके आ रहे हैं, मेरा भाई बोला। तो बोला कि इस घर में आओगे दरवाज़ा नहीं खोलेगा, ये लोग बोल रहा है। तो मेरा भाई बोला क्यों नहीं, हम थाना लेके आएंगे तब तो दरवाज़ा खुलेगा ना, डॉक्टर से तुमको इलाज कराने देगा ना। तो बोला कि नहीं थाना तो छोड़ दो, चीफ जस्टिस भी आ जाएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उसके बाद मेरी बहन बोली तुम लोग मत आओ, ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेकिन हम फिर मेरी मम्मी फ़ोन की कि ले जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, हम आ रहे हैं। तो प्रतीक बोला कि हाँ हम ले जा रहे हैं, अभी दवा खा, बोले मेरी बहन का मोबाइल ऑफ क्यों है, तो अभी दवा खा के सो रही है। तो हम बोला कि सिंपल डिहाइड्रेशन था, तो हमको लगा कि हो सकता है कि दो गो खाई डिहाइड्रेशन में सो गई होगी दवा खा के। फिर मेरी बहन दिन भर मेरी बहन का मोबाइल नहीं ही ऑन हुआ, तो हम लोग को कुछ शक हुआ कि पूरे दिन वो मोबाइल क्यों ऑफ रखी हुई है। तो शाम में हम उनके ससुर पे कॉल किए, तो बोले कि चांदनी चंद्रा एडमिट है। हम बोले एडमिट क्यों है, कहाँ एडमिट है, तो हम पता नहीं बताएंगे। हम बोले क्यों नहीं पता बताइएगा, हम गूगल से सर्च करेंगे, हम ये सब थाना लेके पहुँच जाएंगे। तब बताए यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का एड्रेस नहीं बताया, तो हम लोग नेट पर सर्च करके पहुँचे, हम लोग को लेट हो गया पहुँचने में। वहाँ पहुँचे, मेरी बहन ऐसी छोटी बिल्ली जैसा लेटी हुई थी, और तो वहाँ का हम बोले कि क्या हुआ इसको, तो वहाँ का डॉक्टरों द्वारा बोला गया कि बीपी लो है और कुछ नहीं हुआ है। तो बीपी लो है तो और अभी रात भर रखेंगे, सुबह छोड़ देंगे। हम बोले ऐसा कैसे, बीपी लो में इतना ऐसा हालत कैसे आ सकती है। वहाँ के एक जूनियर डॉक्टर बुलाया किनारे के, सुनिए आपकी बहन बहुत सीरियस है, इनका हाथ फट चुका है, यहाँ मत रखिए लेके जाइए। क्योंकि जब आपकी बहन आई थी बीपी लो था, पल्स 17 था, 2-4 घंटे की थी, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया है, आप लोग जल्दी चले आए हैं तो इसको लेके जाइए। वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रहा था, हम लोग 112 पे डायल किए, 112 वाली थाना से आई, महिला थाना को फ़ोन किया, वो 112 को बोली डायल करने, 112 थाना से आई, उनके समक्ष हम छुट्टी दिलवाए और तुरंत हम ले गए पारस। पारस बोला कि जो वो रिपोर्ट बना रहा है कि सिर्फ बीपी लो है, नहीं है ये तो
क्रिटिकल कंडीशन, इनको बसाना मेरे पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो वेंटिलेटर वगैरह पे डाला रात भर, बोला कि आंत फट गया इनका और सारा पॉइजन भर गया, पेट इतना फूला हुआ था। मेरी बहन बोली, मेरी बहन उस समय कुछ कुछ बोल पा रही थी, वेंटिलेटर डालने से पहले वेंटिलेटर में डाल देता है तो पाइप तो आवाज़ नहीं ना निकलता, बोली कि प्रतीक बोला कि इसको लेके नहीं जाओ, यही मरने दो। तो सास बोली कि यहाँ नहीं मरने दो, यहाँ मरोगे तो फंस जाओगे, इसको चलो हॉस्पिटल एडमिट करो। हॉस्पिटल एडमिट करी, उसके बाद मेरी बहन इतना ही बोली कि सुनो ना, एक चप्पल लेना और चप्पल प्रतीक के सर पे मारना, तब तक मारना कि वो चप्पल टूट नहीं जाए। ये मेरी बहन बहन बोली मरते समय प्रतीक के लिए, हाँ एक चप्पल लेते वक्त, हाँ चप्पल वेंटिलेटर डालने के पहले चप्पल लेना और चप्पल से प्रतीक के सर पे मारना और तब तक मारना जब तक वो चप्पल टूट ना जाए। देखिए ये प्रतीक के लिए अंतिम शब्द था उनकी पत्नी का, और ये बहुत ही भावनात्मक बात है, वो इतनी दुखी थी कि अपने पति के लिए बोल रही है कि तब तक मारना जब तक तुम्हारा चप्पल ना टूट जाए। अब बताइए कितना दुष्परिणाम है इस देश में, इस राज्य में, कि जज अपने पद का अपमान तो किया ही, प्लस अपने पद का घमंड में, पद के घमंड में पूरे परिवार को धमकी देते रहा कि हम अपने केस को, किसी भी केस को हम लोग ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं, कि किसी भी केस को हम लोग जितवा भी सकते हैं, हरवा भी सकते हैं, हमारे पावर में ये है। और वो ये अपने साला के लिए धमकी देते रहा कि तुम्हारा भाई एक ही है, तुम्हारे गाड़ी में शराब डलवा देंगे, गांजा डलवा देंगे और ऐसे करेंगे कि उसको ज़िंदगी भर बेल नहीं होगा। इस धमकी के डर से ये लोग ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को मीडिया का सहारा है कि आखिर उस जज को सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये लोग FIR कर चुके हैं, अब देखते हैं कि कानून वो आदमी जो खुद क्रिमिनल है, जो दहेज लिया, लड़की को असॉल्ट किया, उसको बंधक बना के रखा, उसका फ़ोन हैक किया, वो पद पे बैठा है न्याय करने के, वो क्या न्याय करेगा आगे समाज के लिए? सही बात है, बहुत अच्छी बात बोले कि वो पद पर बैठा है न्याय के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ नहीं न्याय किया, जो व्यक्ति अपने पत्नी को निर्मम हत्या कर दिया, ऐसा हत्या किया कि वो तिल तिल कर मरते रहे। शादी के बाद लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो वो ससुराल और पति से उसकी ये मंसूबा होती है, पति से उसकी ये इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा, हर इच्छा को वो इच्छा पूरा करते जो अपने मायके में नहीं पूरा कर पाती, अपने 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 माँ बाप से जो इच्छा पूरा नहीं कर पाती है वो इच्छा अपने पति से करना चाहती है, लेकिन वो पति ऐसा हत्यारा निकला, ऐसा रावण निकला, ऐसा कुकर्मी निकला जिसे जिसके लिए कोई भी शब्द कम पड़ेंगे। वो जज होते हुए अगर इस तरह की घटना करे तो उस जज को किस तरह की सजा मिलना चाहिए। मैं शंभु कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।